हेलो प्रेप क्लास, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अ और आ की मात्रा। ठीक है, अब हम उनका अभ्यास करते हैं। आपको आ की मात्रा समझ में आ गई थी, आपने का उस पर वर्क किया, उसका लिख कर उसको आपने उसका अभ्यास किया। अब इनको हम क्वेश्चन आंसर से समझते हैं। चित्र सही पहचान करके उसके सामने राइट का चिन्ह लगाना है। अब आपके सामने चित्र दिया हुआ है, नाक कान न की आ की मात्रा है और क के भी आ की मात्रा है। तो चित्र किस चीज़ का है आपको पता होना चाहिए, किस चीज़ का चित्र है। ये चित्र नाक का है, तो ये वाला अपना सही है। फिर दिया हुआ है अम्मा और आम, तो इसमें आम ये कौन क्या है, ये फ्रूट कौन सा फ्रूट है आपको दिख रहा है। तो ए के आगे है, आ की मात्रा लगेगी तब आम बनेगा। ठीक है, पर इसमें कैसे दिया हुआ है, ये सही नहीं है अपना। और ये वाला सही है, इसमें आम की आम यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे है, बा के आ के ब के आ की मात्रा और ज के आ की मात्रा, तो फिर क्या बना, बाजा। और ये है ब जा, तो ब के आ की मात्रा नहीं है और जा, तो बजा सही नहीं है, सही क्या है, बाजा। तो हम सही पर सही का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह आगे है टमाटार, तो ये टमाटार नहीं है, ये क्या है, टमाटर। फिर है ताला या लाता, तो क्या है ये, ताला। ये क्या है आपके सामने, मला या माला, क्या है, माला। तो माला कौन सा है, ये वाला शब्द है, तो इसके हमें आगे हमें राइट चिन्ह लगाना था। अब सही चित्र पहचान कर इनका मिलान करना है। तो कौन से शब्द के आगे क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है, इनका हम मिलान करेंगे। तो सॉरी, ये दिया हुआ है यहाँ पे तबला, तो तबला कहाँ लिखा हुआ है, तबला हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको इससे मिलान करेंगे। फिर है जहाज, तो जहाज को जहाज से मिलाया हुआ है। फिर क्या है, गमला, तो गमले को गमले से मिलाना है, गमले को गमले से मिलाना है। ऐसे ही नाक को नाक से मिलाना है, बादाम को बादाम से मिलाना है, इस तरह से। गमला कहाँ है, गमला इधर है, गमला तो इधर है ना, तो हमें गमले को गमले से मिलाना है। इसी तरह बादाम, तो बादाम कहाँ है, बादाम यहाँ है, सॉरी यहाँ है। इसी तरह नाक, तो नाक को नाक से मिलाना है। तो आप इन सबको सही से मिलान करिएगा। ठीक है, फिर है निम्नलिखित अक्षरों तथा मात्राओं को जोड़कर लिखिए। अब अक्षर और मात्राएं आपको अलग अलग दी गई है, इनको आपको जोड़ करके लिखना है। जैसे पहला अक्षर क्या दिया है हमें, र, र के पास आ की मात्रा और मैं, तो इन सबको जोड़ देंगे। तो र लिखा, फिर आ की मात्रा लिखी, फिर मैं लिखा, तो क्या बन गया अपना, राम। इसी तरह क, आ की मात्रा मैं, काम। फिर स, आ की मात्रा फ, साफ। इसी तरह ग के आ की मात्रा गा, ज, र, गाजर। त के आ की मात्रा ता, ल के आ की मात्रा ताला। इसी तरह ग, भ, ग, व, आ की मात्रा वा, न, भगवान। अक्षर तथा मात्रा मिलाकर आपको अब ये शब्द लिखने हैं। तो कौन कौन से अक्षर लिखे हुए हैं, इन सबको मिलाकर के आपको ये काम, ये वर्क करना है आपको, और मुझे दिखाना है, बताना है। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम मुझसे पूछिए, ये आपको करके बताना है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आएगा कि आ की मात्रा के कौन कौन से शब्द बनते हैं और कैसे मात्रा लगा करके उस शब्द को अलग से बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।